सत्यम, मैं ऑडिबल आपको? मेरी आवाज पहुंच है आपको? कैसे यस सर। हैं सत्यम? फाइन सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो भाई आप तो खैर स्कॉलरशिप क्रैकर हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इस स्टेज को क्रैक करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। तो कैसे किया आपने, मतलब बिल्कुल बताइए भाई। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे वो क्रैक कर सकते हैं, कैसे ये स्कॉलरशिप और जो रिवॉर्ड्स उनको ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए आप कैसे किया। सर, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप था 25 सितंबर को, बिल्कुल उसी के थ्रू थर्ड रैंक मिला था, उसी के थ्रू सब्सक्रिप्शन मिला। तो मतलब क्या क्या चीजें करी, जैसे आपको बहुत एक्चुअली देखिए बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती हैं आपको, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती होंगी। अगर आपके पास प्लस होगा तो आपने प्लस भी देखा होगा, बहुत सारे एजुकेटर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या आपने जो कॉलम टिक के कि आपको बहुत इजी हो गया आपके लिए स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते हैं ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देते हैं आपको स्कॉलरशिप और सब नहीं क्रैक कर पाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं आप उसमें बहुत एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं और आपको भाई उसका शॉर्ट आउट भी मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत बहुत बधाई हो। कैसे बाकी के बच्चे इसको क्रैक कर सकते हैं, जैसे क्या क्या चीजें आपने करी, ठीक है, कि आपने क्रैक कर लिया, जैसे कहाँ से हेल्प मिली आपको, अकेडमी फ्री क्लासेस से हेल्प मिली या फिर जो भी टीचर्स थे उनकी तरफ से हेल्प मिली, कैसे हेल्प मिली ये बताइए। YouTube में मिली और फिर अनअकैडमी के स्पेशल क्लास थी, जैसे कि मैथ्स के लिए अभिनय शर्मा सर को फॉलो करते थे, और इंग्लिश में रानी मैम थी, उनकी YouTube में भी जी कंप्लीट वो डेडिकेटेड सेशन लाती थी, वहीं से फॉलो किए। और कहाँ से हैं सत्यम आप? देवघर, झारखंड। अच्छा, देवघर झारखंड से हैं। तो उधर के तो बेल्ट के बहुत सारे बच्चे हैं बिहार से, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से ही हैं, लेकिन बिहार से, आपके वेस्ट बंगाल से, अच्छा कॉम्पिटिशन होता है उधर से। तो अभी 6 नवंबर को फिर से आपको पता है कि फिर से हमारा स्कॉलरशिप शुरू होने वाला है। तो जैसे कि अभी क्या हुआ, स्कॉलरशिप आपने दिया, आपने टेस्ट पेपर दिए होंगे, ठीक है, आपने और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, तो मतलब एक एक अलग एक्सपीरियंस है भाई इतने सारे बच्चों में एग्जाम्स को निकालना, ठीक है, और एक अलग कॉन्फिडेंस आता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। तो वो आपके एग्जाम्स भी अभी 1 से 13 नवंबर को लग गए हैं, आप होप इस बार एग्जाम्स भी देंगे आपके एसएससी के। तो क्या ये टेस्ट सीरीज आपको एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि भाई नहीं ऑल ओवर इंडिया जो है आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, आप अच्छे लोगों से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, तो क्या ये टेस्ट स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स का एक साइड रखते हैं, क्योंकि वो तो आपकी मेहनत का फल है, आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता है, वो अनअकैडमी उस चीज में कभी पीछे नहीं हटती है, वो एक तरीके से आपको एक तरीके से शॉर्ट आउट देने के लिए कि आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो हम रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि बाकी की अदर चीजों में कोई दिक्कत ना हो आपको, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो आपको टेस्ट देकर के कैसा लगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ठीक है, और भी आपको ये लगा होगा ना कि नहीं मैं एग्जाम के करीब पहुंच गया, तो ये चीजें सब हेल्प मिली आपको? क्वालिटी क्वेश्चंस थे उसमें देखे, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉर्नर इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अपना स्टैंडर्ड पता चल रहा था कैसा है कहाँ। हाँ बिल्कुल। और बाकी जो टीचर्स आपको, जैसे आपने देखा होगा कि इस बार तो और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं, जैसे कि अगर आप सिर्फ इनरोल ही करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि उनके बीच का एक कोई लड़का जो है वो टेस्ट स्कॉलरशिप, जो कि बहुत बड़ी स्कॉलरशिप होती है, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी स्कॉलरशिप होती है इस कैटेगरी की बात अगर हम करें, एसएससी की बात करें, रेलवेज की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करें, तो सबसे बड़े स्कॉलरशिप में से एक होती है। तो बच्चे डरते हैं कि क्या उनको करना चाहिए कि नहीं, क्या उनको एनरोल करना चाहिए कि नहीं, क्या ये चीजें ऐसी होंगी कि वो क्रैक कर सकते हैं कि एग्जाम। देखिए प्राइस तो सेकेंडरी है, ठीक है, पहली चीज तो उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है ना कि उनको टेस्ट वो दे सकते हैं कि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपके जैसे या जो भी लोग यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें वो बिल्कुल दे सकते हैं अकेडमिक टेस्ट? देना भी चाहिए सर, और इसमें अपना पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पता चलेगा, फिर अगर स्कॉलरशिप मिलते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा आपको। हाँ, इस बार तो आपको जो है अलग से सिर्फ आप एनरोल ही करते हैं तो आपको 1 महीने का यूवी लाइट मिल जाता है, और आपके एग्जाम्स को भी आई थिंक 1 महीने का ड्यूरेशन है जिसमें आप अपने जितने भी टॉपिक्स हैं जितना भी आप उनको कवर कर सकते हैं। वैसे अनअकैडमी तो पूरी कोशिश करता है कि हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो या एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उन्होंने ना किया हो तो वहां जाके इसके स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, उसको और ज्यादा अपने जो भी उनकी स्ट्रेंथ है या फिर जो भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे वो वीक है उसको और स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं और स्ट्रांग कर सकते हैं। आपको जैसे कि जब भी आपने टेस्ट दिया होगा, ठीक है, तो एक चीज रहा होगा ना कि नहीं मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगा या ये चीजें थोड़ी सी डर रही होंगी, वो भी आपका अनअकैडमी ने क्लियर कर दिया।
तो बाकी के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि नहीं भाई आप बिल्कुल जाए? फिर मैं वही कहूंगा कि प्राइस तो सेकेंडरी है, लेकिन टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे रानी मैम हो, चाहे अदर टीचर्स हो, वो सारे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसका सीधा सीधा, सिर्फ मैं ही स्कॉलरशिप में नहीं कह रहा हूँ, आपके और भी प्रिपरेशन की बात करो, आपने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए, उसमें भी सीधा फायदा होता है? जी सर, होता है, बिल्कुल होता है फायदा। तो कैसा लग रहा है आपको स्कॉलरशिप भाई पा करके? तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, 2,000-3,000 बच्चे लाइव रहते हैं, ठीक है, क्लासेस में लाइव रहते हैं। अब वो सोचते हैं कि नहीं यार उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, कि नहीं उनको लगता है कि नहीं ऐसा है नहीं, स्कॉलरशिप उनको वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, प्राइस दूसरी चीज है, वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, या क्रैक भी कर लेंगे तो आगे का क्या? तो ये चीजें आपको जैसे क्रैक करने के बाद सारी चीजें तो वो मिली होगी, जो एक एक बहुत अच्छी चीज आपको मिली कि आप इतने सारे लोगों में कर सकते हैं, तो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ, या आप कुछ भी गाइड करना चाहते हो उनको? पहले स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा सर, डर के रहने से तो फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं। आगे बेसिक से स्टार्ट कर रहे, हम लोग भी ऐसे पहले यूट्यूब से ही, फ्री सेशन भी था बहुत सारा, यूट्यूब से प्रिपेयर किए, और फिर प्रीवियस ईयर का गाइडेंस लिए, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, और मॉक टेस्ट देते देते तब ऐसे अचानक से, पहले भी स्कॉलरशिप टेस्ट दिए थे, उसमें रैंकिंग इस तरह नहीं आता था, कम रहती थी, अब धीरे धीरे। जी, तो इस बार 6 नवंबर को भी टेस्ट देना है आपको? जी सर, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए भाई, इस बार भी दीजिए आप, और उम्मीद करता हूँ आप पिछली बार से और ज्यादा बेहतर करेंगे इस बार, और बेहतर करना भी चाहिए आपको, क्योंकि प्रिपरेशन भी आपकी वहीं से लगी होगी, टीचर्स भी बहुत फ्लो में पढ़ा रहे हैं इस टाइम, देखिए तो बहुत सारे बैच कोर्सेज भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं, फ्री कोर्सेज भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि 1 महीने बाद 1 से 13, देखिए आपको पता होगा कि आरटीआई की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि किसी ने डाला था कि नहीं हो सकता 1 से 13 के बीच, चलिए 1 से 13 जी, ऑफिशियल भी डेट आ गई है, या ऑफिशियल डेट भी आ गई है कि आपको सेकंड वीक से स्टार्ट कर ही देंगे, एग्जाम्स आपके जो है शुरू हो ही जाएंगे। तो अब क्या है कि उन एग्जाम्स को लेकर के अब ये भी रहेगा कि क्या क्विज देना चाहिए क्या नहीं। तो देखिए मेरे हिसाब से क्विज देना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ा हुआ है वो आपको 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि नहीं क्या चीजें हमने पढ़ी, कितना हमें आया, या कहीं पे भी हम, क्योंकि ये अलग कॉन्फिडेंस होता है जब ऑल, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें हर तरीके से आपका कॉम्पिटिशन ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से होगा, उनका क्या कॉम्पिटिशन है, वो किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये देना पड़ेगा। उसमें आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि टेस्ट देकर के बच्चे भटकेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता मुझे। नहीं सर, जिनका प्रिपरेशन है उनको डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर मॉक देंगे तो उनको, उनके लिए बूस्ट ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और एक तरीके का बूस्ट भी मिलेगा उनको कि भाई पूरा उनका जो है कि पूरे इंडिया में जितने भी लर्नर्स हैं उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन हो रहा है, प्लस मैं हमेशा रिवॉर्ड्स को सेकेंडरी देखता हूँ, क्योंकि वो तो आपका एक तरीके से आपका इनाम, आपके सब आपके फल का वो जो है कि एक 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 वही होता है ना कि आप मेहनत करें तो वो फल मीठा ही मिलेगा, तो आपकी मेहनत का वो फल है, तो वो तो जरूर मिलना चाहिए, और अकेडमी उसके लिए पीछे नहीं रहती, आप ये हमेशा से ही आपने देखा होगा, इससे पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा, होप ऐसा करते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी इस बार सक्सेसफुल है, अपनी क्लास से भी बहुत, स्टेशन मास्टर में भी बच्चे हुए, होप इस बार आपका भी सिलेक्शन हो जाए। बाकी कोई कोई चीज आप जो अनअकैडमी को या फिर लर्नर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं, या फिर टीचर्स की तरफ से कुछ भी चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टीम से बात करके पूरी कोशिश करूंगा। जीके के लिए कोई कंप्लीट कोर्स? जी हाँ, जीके के लिए कोर्स मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे ही जीके के लिए कोर्स शुरू होने वाला है, मे बी सैटरडे संडे से शुरू हो जाएगा, मंडे से जीके का होगा, जो कि इस बार मैं देख रहा हूँ आपका कि आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके अलावा एनवायरमेंट साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूड करी है, 25 आपको पता होगा, 50 नंबर का 25 क्वेश्चन होंगे, तो उसको ध्यान में रखकर के पूरा बैच कोर्स ही स्टार्ट किया जा रहा है, इंद्रधनुष चैनल आपको पता होगा अकेडमी का, उस पर भी बस SSC लाइव पे, बस वो सारी क्लासेस फ्री क्लासेस में मिलेंगी, तो आपको 1 महीने का मे भी जल्दी आपको वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, मे भी जल्दी क्या, आई थिंक सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से। और कोई चीज बताइए, और आप अपने दोस्तों को, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सजेस्ट करना चाहते हो, और क्यों उनको अनअकैडमी जो है कि ये टेस्ट स्कॉलरशिप देना चाहिए, बिल्कुल बताया। ऐसे तो अनअकैडमी बहुत अफोर्डेबल भी है, और फिर मिनिमम प्राइस पे बहुत बेस्ट एजुकेटर मिलता है। हाँ, मिनिमम प्राइस पे है, और इस बार तो आपको अगर स्कॉलरशिप में आप बैठते भी हैं तो भी आपको यू राइट मिल जाएगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको भी कहना, आप भी बिल्कुल अपने दोस्तों से कहिए, जो भी दोस्त ये वीडियो देखेंगे, कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एनरोल करें, ताकि आपके जैसे वो भी फायदा उठा पाए, आपके जैसे वो भी इंडिया में भाई रैंकर बन सके। ठीक है, इंडिया में रैंकर बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और हमारी साइड से जितने भी इंटरव्यूज हो सकेंगे आप जैसे टॉपर्स के साथ, हम ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज करने की कोशिश करेंगे।
तो आप बिल्कुल दोस्तों से कहिए कि भाई आप आए और ज्वाइन करें और चीजों को, क्योंकि आप कहेंगे ना तो लोगों को और एक अलग सा यकीन होगा कि वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ऐसा भी नहीं है कि नहीं उनके बस के बाहर का, अगर वो अच्छी प्रिपरेशन करें तो बिल्कुल वो रैंक में आ सकते हैं। जी सर, 6 नवंबर को है सर। जी हाँ, 6 नवंबर को 10 AM से है। बिल्कुल, तो आप बुलाएं भाई दोस्तों को कि आइए आप लोग भी भाई ज्वाइन करिए और इनकी तरह बिल्कुल आप विनर बनिए और रैंकर बनिए। जी सर, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया घर पे? जी सर। एग्जाम्स देने हैं नवंबर में, सॉरी दिसंबर में? दिसंबर, यस सर, देना। बिल्कुल दिसंबर में दीजिए, स्कॉलरशिप भी दीजिए और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स, जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए, और टेस्ट के लिए भी भाई बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिए। बाकी कोई चीज आपको कहनी हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। नहीं सर, वो जीके का ही एक इशू था थोड़ा। हाँ, जीके, तो जीके हमने ध्यान में रखे और ये आज ही मीटिंग हुई थी जीके को लेकर के, और मैं खुद इस बार जीके करंट अफेयर पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री विस्ट्री सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ वो भी आपके, जो भी आपकी दिक्कत हो रही है उसको भी पूरी कर दी जाए, खत्म कर दी जाए दिक्कत को, ठीक है। बाकी लग जाइए भाई, ऑल द बेस्ट आपके स्कॉलरशिप के लिए, और बाकी बच्चों को भी, जितने बच्चे रिकॉर्डिंग्स को देख रहे थे आपके सामने सत्यम है, और बहुत इजी हो जाता है आपके लिए अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी इनकी तरह रैंकर्स बन सकते हैं, ये भी आप लोगों के बीच है, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हैं रैंकर बनते हैं, तो आप अभी के समय में एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी कि आप कर लेंगे, अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल कर लेंगे। बाकी सिलेबस कैसे करना है, एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है, क्या चीजें होंगी, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, क्या सिलेबस है, वो सब हम आपका अकेडमी के चैनल पे, इस चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उस पे प्रोवाइड करा देंगे। बाकी किसी भी तरीके की हेल्प होती है या किसी भी तरीके के आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप अकेडमी पे हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। बाकी अपना ध्यान रखें सत्यम, और उम्मीद करते हैं कि इस बार का भी टेस्ट आप जरूर, इस बार रैंक 1 लेकर के आएंगे आप। खैर रैंक तो मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर जो करता है कि आप अपने आप को कहां तक लेकर के जाते हैं, आप टेस्ट में शामिल होते हैं और आप अपनी अपनी प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यही सब कुछ मैटर करता है। बाकी तो सब हमारे साइड से जितना हो सकेगा हम जरूर सारे बच्चों के लिए करेंगे। जी सर, ठीक है सत्यम, ध्यान रखिए, बाकी सब बढ़िया? जी सर। और कोई क्वेरीज? नो सर, और कुछ नहीं। ओके, ध्यान रखिए सत्यम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।